भिकनगांव में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के मुख से हरिहर महाशिव पुराण कथा की जा रही है, जिसका आज पांचवा दिन था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मंच पर शिव महापुराण की पूजा कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में कहा कि घर का सामान, पैसा, बर्तन, भांडे उधार ले आओगे, पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता, तुम्हें तो खुद पुण्य कमाना होगा। कोरोना काल में पैसा काम नहीं आया, पर शिव हमेशा काम आया। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो ठीक है, पर किसी को बुरा भी मत बोलिए। कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पर जो शिव पुराण सुनकर जिस मार्ग से जा रहा है उसकी हवा पवन से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। कल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो शिव महापुराण सुनकर जा रहा हो उसका चेहरा देख कर जाना, वैकुंठ में चला जाएगा। कथा में भक्त भजनों पर झूमे, जिसमें राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, खरगोन विधायक रवि जोशी ने सभी भजनों का लुफ्त उठाया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नागेश्वर महिला मंडल की महिलाओं जिन्होंने महाशिव पुराण सुनने का अवसर दिया व नगर से सभी विभागों के कार्य की प्रशंसा की। आज लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या थी। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन 20,000 श्रद्धालुओं का भोजन हो रहा है। मुक्तिधाम समिति द्वारा जल की सेवा दी गई। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।